नमस्कार दोस्तों, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग में कैटेगरी का प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा और अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित जानकारी भी बताऊंगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कॉलेज बहुत दूर आया है, वो नज़दीक लेना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर वाले को सेकेंड व थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका आप सभी का विश्वसनीय चैनल एन के एजुकेशन ने तैयार किया है। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एन के एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा बीएसटीसी की फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, अब सेकंड काउंसलिंग की बारी है। तो बीएसटीसी सेकंड काउंसलिंग में कैटेगरी का प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो इससे जुड़े वो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ विद्यार्थी है जिन्होंने केवल फॉर्मेलिटी के लिए बीएसटीसी का फॉर्म भरा है, उनके अच्छे नंबर आने के बाद भी वो बीएसटीसी नहीं करेंगे, या कुछ विद्यार्थी अपनी पसंद की कॉलेज नहीं मिलने के कारण कॉलेज में भाग नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने एक दो लास्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ऐसे कुछ बहुत सारे विद्यार्थी आपको बीएसटीसी 2019 के अंदर मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छे नंबर आने के बाद भी अपनी पसंद के नज़दीक होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिलने के कारण वो नहीं जाएंगे। और कुछ गर्ल्स ऐसे भी है जो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिलने के कारण वो बीएसटीसी नहीं करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज मिली लेकिन वो भाग नहीं लेंगे। अब सेकंड काउंसलिंग से संबंधित जानकारी कि आपको सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के अंदर एनी हाउ भाग लेना है। कुछ विद्यार्थियों का मानना है थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो बाई कन्फर्म 101% थर्ड लिस्ट आएगी, मैं 100% ही बोल सकता हूँ थर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट के अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग में तो भाग ले लेंगे लेकिन फिर भी वो कॉलेज ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। आप अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित तो जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करेंगे। कितने नंबर वाले को सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, तो एक विचार के अनुसार जिसके भी 300 अबव नंबर हैं उन सबको भाग ले लेना चाहिए, क्योंकि उन सबके नंबर आने के चांसेज है। ये जानकारी सबसे सटीक आपको बीएसटीसी के इसी वीडियो में दी जाएगी, और इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को स्किप मत करना। तो 300 नंबर वाले को 99% है कि उसको काउंसलिंग में भाग ले लेना चाहिए। अब मैं आपको एक और जानकारी क्लियर कर देता हूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कॉलेज बहुत दूर आया है, वो कॉलेज नज़दीक लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार, जिस हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं वो बीएसटीसी 2019 की ऑफिशियल वेबसाइट है, bstc2019.org। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट के अंदर आपको क्या करना है, कि आपको जब 17-18 तारीख के दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे कि किसको किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में सीटें के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 19-20 के अंदर आपको कॉलेज की अलॉटमेंट होने के चांसेज है। फिर आपको उस कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट होना है, रिपोर्टिंग देनी है 22 तारीख तक, और यार उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ई मित्र पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो आसानी से और आप नज़दीक कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बीएसटीसी 2019 के अंदर अगर सीटों की संख्या बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, फिर भी कुछ विद्यार्थियों के नंबर क्यों नहीं आए। तो मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया था कि बीएसटीसी के अंदर कैटेगरी का प्रभाव अब सेकंड और थर्ड लिस्ट के अंदर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा इसके बारे में भी मैंने सटीक जानकारी बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मित्रों, नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर बनाना है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो।